कोटेदार के समर्थन में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। समाधान दिवस पर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, ग्राम प्रधान पर लगाया गंभीर आरोप। मामला आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के युधिष्ठिर पट्टी गांव के लोगों ने कोटेदार के समर्थन में तहसील पर समाधान दिवस के अवसर पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और एक शिकायती पत्र जिला अधिकारी आजमगढ़ को सौंपा। कोटेदार ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान द्वारा हमेशा मेरा कोटा निरस्त कराने की धमकी दी जाती है, साथ ही पैसे की मांग की जाती है। मेरे द्वारा पैसे ना देने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसकी शिकायती पत्र मेरे द्वारा कई बार सक्षम अधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक प्रधान के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिन शनिवार को तहसील परिसर में गांव के ग्रामीणों ने कोटेदार के समर्थन में प्रदर्शन किया, साथ ही ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। कोटेदार और ग्रामीणों ने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, साथ ही कार्रवाई की मांग की। जिला अधिकारी द्वारा कोटेदार को आश्वासन दिया गया कि जाँच कर ग्राम प्रधान के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। आप लोग संख्या में आई है, क्या मामला है, क्या करने आई है? कोटे के बारे में। क्या कोटे के बारे में क्या करने आई है? राशन बराबर मिलता है, कोटा वहीं रहना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ। तो कौन हटवाना चाहता है कोटा? प्रधान जी। प्रधान हटवाना चाहते हैं। क्या कहते हैं प्रधान जी? कहते हैं कि हमारे केन कोटा आ जाए, हमको कोटा मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, कितने दिन से हैं ये कोटेदार, जो वर्तमान कोटेदार हैं? 10 साल। 10 साल। अच्छा, तो हम नट समाज से हैं, हमको तो राशन बराबर मिलता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आप यहाँ पर आप लोग क्यों आए हैं, कि क्या कोटेदार के समर्थन में आए हैं? नहीं, कोटेदार के समर्थन में नहीं, मतलब कोटा यथा स्थिति कायम रहे, हम लोगों को यहाँ से राशन कोटा रहे, कोटा यहाँ रहे और हम लोगों को राशन बराबर मिलता है, तो भाई हम लोग यही चाहेंगे, जहाँ मिल रहा सुख सुविधा वहीं पड़ा रहे। तो आज अभी आप लोग डीएम साहब से सभी लोग गए, कुछ लोग गए थे, क्या कहे डीएम साहब, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, डीएम साहब आश्वासन दिए हैं उसमें जो है। अच्छा जी, कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी, उनके नाम से कोटा चलता है। अच्छा। उनके चाचा का लड़का हूँ। प्रधान जी आकर पैसा मांगते हैं, कहते हैं वितरण करने के बाद हमें 5,000 रुपए दो, 5 क्विंटल गेहूं चावल दो हमें। अच्छा। नहीं तो आपकी दुकान सस्पेंड करवा देंगे, निरस्त करवा देंगे। कुछ आपके चाहते लोगों को लेकर बार बार दुकान पे एप्लीकेशन देते हैं, सबको डिस्टर्ब करते हैं सर। तो आते हैं दुकान पर, तो इसके संबंध में आपने प्रार्थना पत्र दिया है? जी सर। डीएम साहब को दिया है? जी सर। क्या कहे डीएम साहब? डीएम साहब कह रहे हैं कि जांच होगी, इसके बाद कार्रवाई होगी। हाँ, इसके पहले भी जांच हुई थी, सब कुछ सही पाया गया, लेकिन प्रधान अपने चाहतों को लेकर बार बार धमकी दे रहे हैं कि हमें पैसा दो कुछ।